हेलो नमस्ते प्रणाम सलाम वेलकम टू नॉलेज मिरर। पूर्णिया एयरपोर्ट से जुड़ी एक बड़ी और लेटेस्ट खबर लेकर हम फिर हाजिर हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब पूर्णिया वासियों को चूनापुर से उड़ान भरने का सपना सच साबित हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिशों के बाद अब धरातल पर पूर्णिया एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालिया दौरे के बाद जिला प्रशासन ने इसकी कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में दिल्ली से आई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कंसल्टेंट टीम ने हवाई अड्डे के लिए अधिकृत भूमि का स्थल सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है। शुक्रवार को डीएम कुंदन कुमार ने पूर्णिया एयरपोर्ट के सर्वे कार्य का स्थल निरीक्षण करने के बाद बताया कि पूर्णिया हवाई अड्डे के निर्माण में आ रही सभी बाधाएं दूर कर ली गई हैं। अब हवाई अड्डे के निर्माण में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। AAI की दिल्ली से आई टीम ने अधिग्रहित भूमि का तकनीकी सर्वे किया। सर्वे टीम ने गुवासी मौजा में अधिग्रहित भूमि का ड्रोन DGPS से अधिकांश देशांतर के साथ विस्तृत सर्वे किया। सर्वे में एजेंसी ने टोपोग्राफी के साथ कंटूर मैपिंग का कार्य किया। इसमें पूरे जमीन का आकांक्ष देशांतर और एलिवेशन का सर्वे किया गया। चूनापुर हवाई अड्डा परिसर में स्थित ARP का GPS रेफरेंस लेकर उस रेफरेंस से DGPS मशीन का लगभग 3000 डेटा पॉइंट लिया गया है ताकि टर्मिनल और एयरपोर्ट का व्यापक डिजाइन बनाया जा सके। स्थलीय निरीक्षण के दौरान निदेशक DRDA और विशेष कार्य पदाधिकारी के साथ ही AAI की दिल्ली से आई टीम और अन्य संबंधित अफसर उपस्थित थे। जमीन के सर्वे का कार्य करने से पहले DM, SP, जिला प्रशासन और AAI की टीम ने सभी तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा कर एक बेहतर कार्य योजना बनाई जिससे एयरपोर्ट का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने AAI की सर्वे टीम से पूरी सर्वे प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली और बिना किसी गलती के काम को पूरा करने का निर्देश दिया। इसको लेकर DM कुंदन कुमार ने बताया कि सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद कंसल्टेंट द्वारा अपना कंटूर ग्रिड सर्वे रिपोर्ट AAI को उपलब्ध करा दिया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट के बाद हवाई अड्डे का निर्माण कार्य AAI द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 अगस्त को चूनापुर हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सभी पक्षों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के एयरपोर्ट निर्माण संबंधी बैठक के बाद सभी पक्षों में कोऑर्डिनेशन कर एयरपोर्ट निर्माण की बाधाएं दूर कर ली गई हैं। टर्मिनल के लिए जमीन के सर्वे के साथ ही 15 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। पूर्णिया हवाई अड्डे के निर्माण के लिए AAI की पूर्व की अधियाचना के अनुसार गुवासी मौजा में 52.18 एकड़ भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है। AAI द्वारा बाद में फिर 15 एकड़ भूमि की अधियाचना की गई है। AAI की अधियाचना को लेकर 15 एकड़ भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई त्वरित रूप से की जा रही है। 15 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने गुवासी गांव में किसानों और ग्रामीणों से व्यापक बातचीत की और उन्हें इसके लिए मना लिया। गुवासी गांव के मुखिया अफरोज आलम ने बताया कि प्रशासन के साथ ग्रामीणों और किसानों की बातचीत सकारात्मक रही है। 52 एकड़ के अलावा 15 एकड़ पर सहमति बन गई है। उन्होंने भरोसा दिया कि जहां जहां गुंजाइश होगी वहां वहां प्रशासन की ओर से किसानों के हित में कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले किसानों ने बताया था कि 15 एकड़ में उनके घर भी आ रहे हैं, खेत के साथ साथ उन्हें अपना घर भी गंवाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने एयरपोर्ट के गेट के पास मुख्य रास्ता बंद करने से होने वाली परेशानी बताई। इस पर प्रशासन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके लिए वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल नॉलेज मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।